बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद इरफान। आज हम लीडशेयर के प्लेटफॉर्म से दूसरी वीडियो का आगाज कर रहे हैं, जो कि डीएचए फेज टू पर है। और क्योंकि डीएचए फेज वन पर हमने मुकम्मल इन्फॉर्मेशन के साथ अपने क्लाइंट्स को, अपने व्यूअर्स को और बाकी जो है अपने इन्वेस्टर्स को पूरी डिटेल बताई थी, और आज इसी तरह इसी कड़ी की दूसरी वीडियो जो आज हम डिस्कस करेंगे डीएचए फेज टू पर। जी अमजद साहब हमारे साथ हैं, क्योंकि ये 1 to 5 में एक्सपर्ट हैं। इन्होंने पिछले 5 से 7 साल का इनके एक्सपीरियंस है डीएचए में प्रॉपर्टी सेल्स का, और लीड स्टेट के साथ ये काम करते हैं। और जो लीड स्टेट है वो एक प्रोफेशनल इदारा है जो कि अपने क्लाइंट्स को और अपने कस्टमर को एक बेहतरीन सर्विसेज प्रोवाइड करने में हमेशा सबसे आगे रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी सर, फेज टू में आप बताएं कि कितने ब्लॉक्स हैं? हाँ, फेज टू में जैसे कि 6 ब्लॉक हैं। ये ब्लॉक स्टार्ट होते हैं क्यू ब्लॉक से, और क्यू ब्लॉक से स्टार्ट होके ये टी ब्लॉक तक करते हैं, वी ब्लॉक तक करते हैं। ठीक है सर, सिक्स ब्लॉक हैं टोटल। जी सर, इसमें कोई बेल्टिंग हुई है इस पर? हाँ, इसमें बिल्कुल 2019 में भी बेल्टिंग हुई है और 2020 में भी बेल्टिंग। इसमें 10 मरला और कनाल दो कनाल की भी बेल्टिंग में प्लॉट्स आए हैं। अच्छा, ये जो हमारे व्यूअर्स हैं इनमें से कुछ व्यूअर्स को ये भी नहीं पता बेल्टिंग क्या चीज है, तो क्या आप इनको थोड़ा सा गाइड करेंगे कि बेल्टिंग क्या चीज है? बेसिकली बेल्टिंग कुछ रिजर्व एरिया होता है डीएचए के पास जो क्लियर होता है। जब उन्होंने कभी कहा पे कोई पार्क देनी थी या कोई कमर्शियल देना था, वो प्रॉपर नहीं बन रहा होता, तो उनके पास कोई एरियाज बचे होते हैं। ठीक है, वहाँ पे डीएचए जो है ना अपना एक बेल्टिंग दे देते हैं 3 साल। ये नहीं कि जहाँ पे उन्होंने पार्क का सोचा होता है तो वो नहीं बनाते, तो वहाँ पे वो उसको प्लॉट्स में कन्वर्ट कर देते, तो उसको हम बेल्टिंग का नाम देते हैं। जी, बेल्टिंग का नाम। ठीक, ओके। तो यहाँ पे तो फिर अगर बेल्टिंग अवेलेबल है तो फिर फाइल्स भी दोबारा से सेल हो रही है कि री इन्वेस्ट हो रहा है कि पहले किसी ने खरीदा और बाद में वो सेल? नहीं, ज्यादातर यहाँ पे री इन्वेस्ट ही हो रहा है, क्योंकि पुराना फेजेस है। फेज वन के बाद ये डीएचए का फेज टू था, ये भी पुराना है। जी अच्छा, ये बताएं कि डीएचए फेज वन में आप लोगों को ज्यादा इन्वेस्ट करते देखते हैं या डीएचए फेज टू में लोगों को ज्यादा इन्वेस्ट करते देखते हैं? दोनों ही सेम है, एक जैसे ही है, यानी कि फेज वन और फेज टू में ये डिपेंड करते हैं अवेलेबिलिटी के ऊपर। जी जी, ठीक है। जहाँ पे अवेलेबिलिटी हो, जो क्लाइंट जो चीज चाह रहा हो ना, अवेलेबिलिटी उनकी जो डिमांड हो उनके मुताबिक अगर अवेलेबिलिटी मौजूद है तो वो मौजूद हो जाती है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप बताएं कि किस जो प्लॉट साइज है वो क्या है, या जो प्लाजे हैं, जो मार्केट्स हैं, जो दुकानें हैं, उनके साइजेस क्या चल रहे हैं? हाँ, यहाँ पे मोस्टली जो है ना फेज टू में 2 कनाल की कटिंग ज्यादा है। 2 कनाल की कटिंग, कनाल की, उसके बाद 2 कनाल की कटिंग ज्यादा है इसमें, और कमर्शियल भी है यहाँ पे। अच्छा, 2 कनाल की कटिंग ज्यादा है, तो 2 कनाल का रेट क्या है यहाँ पे? रेट 2 कनाल का 6 करोड़ रुपए से स्टार्ट होता है और 7.5 करोड़ रुपए तक का इसका रेट है 2 कनाल का। अच्छा, और 2 कनाल का रेट 6.5 से स्टार्ट होते 7.5 तक। अच्छा, ये 2 कनाल की जो कटिंग में है इसमें आपको कमर्शियल एरिया भी मिल जाता है, जो जैसे कि कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज खोलना चाहते हैं डीएचए फेज टू में, या इस तरह का कोई जो होता है प्लान, तो वो 2 कनाल की कटिंग में अवेलेबल है? हाँ, वो 2 कनाल की कटिंग अवेलेबल है कमर्शियल में तो कटिंग ही 4 मरला या 7 मरला की होती है। अच्छा, इसमें रेजिडेंशियल में जो है ना वो 2 कनाल अवेलेबल है। ठीक हो गया, और 1 कनाल के बारे में बताएं कुछ? हाँ बिल्कुल, 1 कनाल का जो रेट है अभी 20,000 में, इसका जो 1 कनाल का रेट है आज की मौजूदा सूरत हाल में, तो वो 2.25 का से स्टार्ट होता है और 3.5 करोड़ रुपए तक का रेट है कनाल के प्लॉट्स का। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। और 1 कनाल के बाद हम 10 मरले की जानिब चलेंगे, 10 मरले के बारे में क्या रेट चल रहा है? 10 मरले का अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं, जिस तरह बेल्टिंग में भी कुछ प्लॉट्स आए थे बेल्टिंग वाले, उनका रेट जो डीएचए की बुकिंग थी वो 140 की भी बुकिंग थी, 60 की भी बुकिंग थी, 80 की भी बुकिंग थी। तो अगर नॉर्मल 10 मरला के रेट्स के ऊपर बात करें तो 2.25 का रेट है, 80 का भी रेट है, और जो स्टार्ट होता है रेट 150-160 से स्टार्ट होता है 2 के राउंड में। अच्छा, ये एक और बात मैं पूछना चाहूंगा कि डीएचए फेज वन में जो किनाल, 2 किनाल या 10 मरला या 5 मरला, उसके रेट ज्यादा है या डीएचए फेज टू के रेट ज्यादा? इक्वल रेट है, ज्यादा फर्क नहीं है इतना। और बाकी 2 कनाल का जो है ना यहाँ पे उधर भी रेट है, इधर भी रेट है। अच्छा, ज्यादा फर्क नहीं है। बेसिकली आपको बताता चलूं कि फेज वन जो है ना फेज टू, फेज वन का एक्सटेंशन गिना जाता है। ठीक हो, ठीक है, फेज वन का एक्सटेंशन गिना जाता है फेज टू। ठीक हो गया। और ये बताइए कि लोकेशन वाइज कौन से ब्लॉक हैं जो बेहतर हैं बाकी जो इस फेज में, यानी कि फेज टू में हमारे पास कौन से ऐसे ब्लॉक्स हैं जो लोकेशन वाइज बेस्ट हैं, जहाँ पे इन्वेस्टर इन्वेस्ट करे तो उसकी इन्वेस्टमेंट डबल होने के चांसेस ज्यादा है? यहाँ पे आर ब्लॉक का अच्छा ब्लॉक्स है, उसमें आर ब्लॉक में कम्युनिटी क्लब भी है,
फिर आर ब्लॉक में आपका सैनमा हाउस भी है, ठीक है। इस तरह एक कमर्शियल का बहुत बड़ा टावर जनरेट हुआ है हाली टावर के नाम से, वो बड़ा बहुत फेमस है। ठीक हो गया। अच्छा ये बताएं कि इसके कनेक्टिंग एरियाज कौन कौन से हैं, यानी कि बेस उनको कौन कौन से मिल रहे हैं, डीएचए फेज टू को किधर किधर से रास्ते मिल रहे हैं, जो आम आदमी या कोई आप वो उधर से सर्वाइव करके कहीं और जाना चाह रहा है किसी और एरिया में, यानी कि इस सोसाइटी से निकल के किन किन एरियाज में वो आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। आसानी से देखिए, ये फेज टू से हमारा भट्टा चौक निकलता है जिसकी अप्रोच रिंग रोड से भी है, ठीक है, ये अप्रोच कर रहे हैं, और फिर ये फेज वन के अपोजिट है। अच्छा, फेज टू जितना भी एरियाज है ये फेज वन के अपोजिट है, ठीक है। और इसका जो मेन एक हाईवे निकलते हैं ये डिफेंस मोड से भी निकलता है, जो इसका मेन बुलेवार्ड है फेज वन का, और फेज टू से होता हुआ ये फेज फाइव को भी इंटर करता है, जिसकी वजह से ये जो सोसाइटी है वो ज्यादा आप जो है ना इन लोगों में लोग यहाँ पे ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये इसका रीजन है कि उसके बेस अच्छे तरीके से डेवलप हुए हैं। जी जी, कॉर्पोरेटेड रोड है। हाँ, कॉर्पोरेटेड रोड है। फिर यहाँ पे एक अंडर पास नहीं था, यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक होती थी, ये डिफेंस रोड के ऊपर जो है ना इसका सिग्नल आता है आर ब्लॉक का, ठीक। तो यहाँ पे अभी इन्होंने अंडर पास दे दिया है, अभी वो काफी रश वाला जो सिस्टम था वो नहीं है, बेहतर हो गया, काफी बेहतर है, ठीक हो गया। अब कमर्शियल के ऊपर डिस्कस करते हैं, कमर्शियल में क्या कटिंग चल रही है। फेज टू और फेज वन में चार मरला और सात मरला की कटिंग है प्रॉपर, क्योंकि पुराने ब्लॉक से यहाँ पे आठ मरला की कटिंग नहीं है फेज वन में और फेज टू में, यहाँ पे चार मरला और सात मरला की कटिंग, ठीक हो गया। और ये कौन कौन से ब्लॉक में आपको कमर्शियल प्लॉट्स मिल जाते हैं, कमर्शियल जो चीजें अवेलेबल है, यानी कि तो वो कौन कौन से ब्लॉक्स हैं? इसमें आर ब्लॉक बहुत फेमस है कमर्शियल के हवाले से, ठीक है। इसके सामने फिर टी ब्लॉक आ जाता है, यहाँ पे आपका बैंकिंग भी, यहाँ पे भी बैंक है अपना टी ब्लॉक में, सही जी। और क्यू ब्लॉक भी? हाँ बिल्कुल, क्यू ब्लॉक में चार मरला भी है, इसमें छः मरला के भी कमर्शियल, सात मरला के भी हैं, और उस पर फिर सेक्टर शॉप भी हैं, जो सेक्टर शॉप यहाँ पे जो ना क्यू ब्लॉक में फूड्स के हवाले से बहुत फेमस है ये क्यू ब्लॉक, वेजिटेबल्स और ये वो, और ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब आप ये बताएं कि रेजिडेंशियल के लिए अगर कोई घर लेना चाहे तो वो कौन सा ब्लॉक आपको बेस्ट लगता है? हाँ, इसमें एस ब्लॉक अच्छा, डी ब्लॉक अच्छा है, एस ब्लॉक बड़ा अच्छा है यहाँ पे। अच्छा, एस ब्लॉक अच्छा होने की क्या वजह है? आप अच्छा कह रहे हैं, उसको क्या वजह है? उसके पीछे स्कूल्स है, गर्ल्स स्कूल्स है, वो उसके लिए हवाले से अच्छा है एस ब्लॉक, उसके साथ फिर कमर्शियल भी हमारा लगता है। देखिए, कोई भी क्लाइंट अगर आते हैं इन्वेस्टमेंट करते हैं या वो रहने के पर्पस के लिहाज से आते हैं, तो वो सारी फैसिलिटीज वो देखते हैं, मुझे इजी वेव्स कहाँ पड़ेंगे मेरे लिए, बच्चों के लिए स्कूल्स, कमर्शियल मार्केट्स और वेव्स, वही सहूलियात होती हैं जो क्लाइंट को पता होती है। अच्छा, ठीक है। तो लीड स्टेट जो है अपने इन्वेस्टर्स के लिए जो रिकमेंडेशन है, या उनके पास कौन कौन से प्लॉट्स अवेलेबल हैं फेज टू में? जी, फेज टू में कनाल के प्लॉट्स भी अवेलेबल हैं और दो कनाल के भी अवेलेबल हैं प्लॉट्स, ये डिपेंड करते हैं हमारे क्लाइंट के बजट के ऊपर, ठीक है। और अवेलेबिलिटी तो रहती है, अवेलेबिलिटी तो खत्म नहीं होती, उसमें प्लॉट्स की बात करने या घर की बात करने तो अवेलेबिलिटी होती है, कमर्शियल प्लॉट्स या कमर्शियल दुकानें या सेक्टर शॉप, किसी भी किस्म की अगर किसी भी क्लाइंट्स को अगर जरूरत है या उसने परचेज करनी है या रेंट पे भी लेनी है, तो लीड स्टेट ये सारी खिदमात आपको पेश कर रहा है। तो सर ये बताइए कि लीड स्टेट जो है अपने जो है इन्वेस्टर्स को सेक्टर शॉप में इन्वेस्ट करने के लिए कहेगा या चार से सात मरला कमर्शियल प्लॉट्स में? हाँ, इसमें चार से सात मरला बेहतर है, इसमें इन्वेस्टमेंट अगर चार से सात मरला कमर्शियल में की जाए तो वो ज्यादा बेहतर है, और बिल्डर के लिए जो है ना यहाँ पे घर बनाने के लिए बहुत ज्यादा जो है ना प्रेफर है, क्योंकि यहाँ पे पुराने घर हैं, 15 साल 10 साल 20 साल पुराने घर हैं, तो बिल्डर हजरात के लिए यहाँ पे बहुत सुनहरी मौका है बनाने के। जी, और इसके अलावा कोई आप हमारे व्यूअर्स को ऐसी कोई टिप्स देना चाहें कि डीएचए फेज टू में वो फला जगह, यानी कि कोई एक ऐसा ब्लॉक बता दें कि जहाँ पर वो इन्वेस्ट करें और उससे उनका जो है ना इन्वेस्टमेंट डबल हो जाए, तो वो वाली बता दें, और जो रेजिडेंशियल के तौर पर यहाँ पर रहना चाहते हैं उनके लिए भी कोई एक ब्लॉक? हाँ देखिए, डीएचए एक सिक्योर है, उसमें आप किसी भी फेज में जा सकते हैं, एक सिक्योर है, प्रॉपर्टी एक ही दफ़ा आप परचेज करते हैं, और प्रॉपर्टी के कारोबार में बड़े बड़े अहम शख्सियात भी हैं जो प्रॉपर्टी के लेन देन के सिलसिले में मुयसर रहते हैं, हमारे साथ भी बहुत ज़्यादा बिल्डर भी हमारे साथ अटैच हैं, इन्वेस्टर भी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वैसे भी हमारे लीड स्टेट का एक नाम है और क्लाइंट्स हमारे साथ रहते हैं, और ये सारा इतमाद होता है आपकी कंपनी के ऊपर जो है ना, आप बड़ा नाम और ब्रांड बनना भी एक जो है ना आम लोगों की बात नहीं होती।
जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे व्यूअर्स जो हमें इस वीडियो में देख रहे हैं वो लीड स्टेट के इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाली तमाम की तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के हामिल है, इसमें सबसे पहली बात ये बता दूं कि लीड स्टेट आप लोगों के लिए ये पूरी एक सीरीज क्रिएट कर रहा है जो कि आने वाले दौर में आप लोगों के पास होगी, जिससे आप अपना जो है इन्वेस्ट करने का तरीका, इन्वेस्ट करने के प्लान्स और री इन्वेस्ट करने के प्लान्स और किन किन जगह पर बिल्डर्स को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और किन किन जगह से मोर प्रॉफिटेबल आप हो सकते हैं, यानी कि क्योंकि बेसिक एम जो रियल स्टेट के बिजनेस का है वो प्रॉफिट कमाना है, तो आप कहाँ पे प्रॉफिट कमा सकते हैं वो हम आपको गाय बाय गाइड करते रहेंगे। जो नए रियल स्टेट में आने वाले जो है एजेंट हजरात वो भी ये वीडियोस देखते रहें ताकि उनको भी अंदाजा हो जाए कि कौन से ब्लॉक्स में कौन कौन सी जो है अवेलेबिलिटी है, किन प्लॉट्स में आप इन्वेस्ट करवाएं लोगों को। तो थैंक यू वेरी मच,